हेलो दोस्तों, एड गोवा किचन में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है स्वीट पोटैटो की खीर, यानी कि कुकनी में कणगांची खीर या फिर रताड़ी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं शकरकंद हिंदी में। तो इसकी खीर बनाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 5 से 6 स्वीट पोटैटो, ये मीडियम साइज स्वीट पोटैटो है, और लगभग 1.5 कप ग्रेटेड कोकोनट यानी कि नारियल, और मैंने ली है इलायची। तो आप डायरेक्टली 1 बड़ा चम्मच इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, तो मैंने पाउडर मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैं ये मिक्स करके इसमें ऐसे डाल रही हूँ। तो अभी ये मैंने मिक्सर में से निकाल लिया है, और ये मैं इसका नारियल का दूध या फिर कोकोनट मिल्क जो बोलते हैं वो निकाल रही हूँ। इस तरह से बनाना है। ये देखिए, तो अभी हम इसमें डालेंगे गुड़, 1 बड़ा कप गुड़, और फिर जो हमने कट किए थे जो स्वीट पोटैटो है वो पील करके पहले वॉश करने हैं, फिर पील करने हैं और इस तरह से बारीक कट करने हैं, और अभी हम ये इसमें मिलाएंगे। तो गोवा में ये खीर ज़्यादातर महाशिवरात्रि के दिन बनाते हैं, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन हो, पूजा वगैरह हो, तो इसे बनाते हैं। कणगांची खीर बोलते हैं, और ज़्यादातर महाशिवरात्रि के दिन बनाते हैं, और अभी महाशिवरात्रि नज़दीक आ रही है, तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी ज़रूर आपके लिए डाल दूँ, उसका वीडियो बनाऊँ। तो आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मैं ज़्यादातर गोवा के वेज किचन से रेसिपीज़ बनाती हूँ, बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, और अभी ये हमें बॉयल करना है, और ये मीडियम फ्लेम पे बॉयल करना है जब तक ये जो स्वीट पोटैटो है वो अच्छे से पक न जाए। और अभी मैंने इसमें डाला है बारीक रवा या फिर सूजी, सेमोलिना बोलते हैं, वो डाला है लगभग 4 बड़े चम्मच या फिर 1 छोटा कप। तो ये देखिए, ये अभी इसमें अच्छे से उबाल आया है, और सिर्फ इतना ही है। रेसिपी बहुत ही सिंपल है और स्वीट रेसिपी है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये रेसिपी ज़रूर बना के देखें, और कैसे बनी वो कमेंट में बताएं। तो थैंक यू दोस्तों।